अब सज्जनों, हम लोगों के बीच में सादर सम्मान पूर्वक उपस्थित हैं संत मत के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर स्वामी विवेकानंद जी महाराज। उनसे साग्रह निवेदन है, आपने मानसी संसेवी परमांश जी महाराज के ऊपर डॉक्टरी तथा पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है, देश विदेश में संत मत का प्रचार करते हैं। आपसे निवेदन है कि आप संत मत के सार वचन को, सार ज्ञान को, सार भक्ति को समझाने की महत्व की कृपा करें। स्वामी विवेकानंद जी महाराज। ओम, थोड़ा सा आवाज बढ़ाइए जरा सा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जगत नियंता, जगदाधार आदि मध्य और अंत से परे, सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी परे कणकण में विराजमान परमाराध्य गुरुदेव की सेवा में रहने वाले पूज्यपाद गुरु सेवी भगीरथ दास जी महाराज एवं पूज्यपाद स्वामी प्रमोद जी महाराज, स्वामी अरविंद बाबा के चरणों में हम कोटि कोटि नमन करते हैं, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। मंच पर विराजमान गुरुजन, पूज्यजन, श्रेष्ठजन तथा आज के मंच संचालक रूप में हमारे पूज्य स्वामी शंकर बाबा, सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं बहनों, सबको नमन करते हैं, सबको प्रणाम करते हैं। आज का विषय है ईश्वर स्वरूप, और ईश्वर स्वरूप के संबंध में मैं कुछ कहूँ हमारी वाणी में बल नहीं है। यद्यपि ईश्वर की चर्चा हमारे वेद, उपनिषद, खड़दर्शन, गीता, रामायण और संतवाणियों में सब जगह मिलती है, लेकिन ईश्वर के संबंध में जितना विवाद है, जितना खून खराबा हुआ है, जितना रक्त की धारा बनी है, बही है, और किसी मकसद से नहीं बही। सबसे पहले मैं पाश्चात्य दर्शन में जाऊंगा। इमर्सन का ओवरसोल है, अस्पिनोजा का सबस्टांसिया है, हर्बर्ट स्पेंसर का अज्ञात एवं अज्ञेय है, इमानुअल कांट का विल पावर है, प्लेटो का गुड है और डाल्टन का परमाणुवाद है, आचार्य शंकर का द्वैतवाद, मध्वाचार्य का द्वैतवाद, दयानंद स्वामी का त्रैतवाद और आचार्य रामानुज का विशिष्टाद्वैतवाद है और साइंटिस्टों का प्रत्यक्षवाद है। हमारे साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर तुम्हारा ईश्वर है तो विज्ञान की परखनली में दिखाओ। सज्जनों, उसी समय में एक वैज्ञानिक खड़ा हो गया, मौरिक। उन्होंने कहा, तुम कहते हो ईश्वर है तो दिखा दो, तुम चैलेंज करते हो, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, यदि ईश्वर नहीं है तो तुम साबित कर दो। तो चुप हो गए। हमारे वेदों में ईश्वर की चर्चा मिलती है। ईश्वर को स्वयंभू कहा गया है, जो स्वयं उत्पन्न होता है, और कुरान शरीफ में इसे खुदा कहा गया है, अल्लाह ताला, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम। उस अल्लाह के सिवा दूसरा मबूद मानने योग्य नहीं है। एकम सत्य प्रा बहुधा बदंती,
वो ईश्वर एक है, लेकिन विद्वान लोग अनेक नामों से पुकारते हैं। सज्जनों, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में वैज्ञानिक ने एक रिसर्च किया। एक चूहा को लिया, चूहा को तोला, उसका वजन 100 ग्राम पाया गया। उसको जहरीला गैस घट में छोड़ दिया, चूहा मर गया। उसको पुनः तोला तो उसका वजन 98 ग्राम पाया गया। बोला ये 2 ग्राम वजन जो घट गया ना, यही आत्मा का वजन था। हमारा मूर्ख वैज्ञानिक आत्मा के वजन को भी नापता है। तो ये तो हमारे वैज्ञानिकों का ज्ञान है, ये तो हमारे जड़वादियों का ज्ञान है। भगवान कृष्ण कहते हैं, ममे मानसो जीव लोके जीव भूता सनातना। जीव ईश्वर का सनातन अंश है। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सह सुखराशी। गुरुदेव कहते हैं, जीवात्म प्रभु का अंश है, जस अंश नभ को देखिए, घटमट प्रपंचन जब मिटाए, नहीं अंश कहना चाहिए। गोस्वामी जी कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सह सुखराशी। सुन रहे तभी तो सब जगह ईश्वर है, सब जगह परमात्मा है, फिर भी साक्षात्कार नहीं होता, कैसे होगा? तो गुरुदेव कहते हैं, दो नयन नजर जोड़ के एक नोक बना के अंतर में देख, सुन सुन अंतर में खोजना। सज्जनों, ईश्वर का साक्षात्कार संत ही करा सकते हैं, किसी में शक्ति नहीं है कि करा दे। हमारे पूज्यपाद गुरु सभी भगीरथ दास जी महाराज विराजमान है, समय नहीं है। एक समय की बात है कि गुरु महाराज को ऊपर में ले जाना था, कहीं कई मंजिल ऊंचा में सीढ़ी खड़ी थी, तो पूज्यपाद सोचने लगे कि गुरु महाराज को कैसे ले जाएंगे, खड़ी सीढ़ी है, पैर फिसल गया तो अनर्थ हो जाएगा। तो गुरु महाराज को प्रणाम करते हैं, प्रार्थना करते हैं, गुरुदेव हल्का हो जाइए। सज्जनों, गुरु महाराज को उठाए और गुरु महाराज हवा की तरह, जैसे तकिया वाला हवा होता है ना, हवा वाला तकिया, वैसे ही हल्का हो गए, गुरु महाराज को उठा लिए थे। तो ऐसे पूज्यपाद गुरु से भी भगीरथ दास जी महाराज विराजमान है, और हमारे पूज्य स्वामी प्रमोद जी महाराज जब गुरु महाराज का चरण दबा रहे थे, तो इनका मन भाग गया था कि कल भी दूध नहीं मिला, आज भी नहीं मिलेगी दूध। तो गुरुदेव इतने अंतर्यामी थे, कहते प्रमोद जाओ पहले भोजन करके आओ। ये कहते गुरुदेव पहले चरण दबाएंगे, कहते नहीं नहीं पहले तुम भोजन करके आओ। तो ऐसे अपने गुरु महाराज अंतर्यामी थे। स्वामी विवेकानंद जी महाराज 1893 ईस्वी में शिकागो के धर्म सम्मेलन में गए थे, और बड़े बड़े विद्वान थे। स्वामी विवेकानंद जी को सुन्नी पर बोलने के लिए कहा गया था, माध्यमिकों का सुन्नीवाद है। वो सुन्नी क्या है? बोला सुन्नी से ही सब कुछ प्रारंभ होता है, सुन्नी से ही पैदा होता है, अशून्य में ही समा जाता है। स्वामी विवेकानंद जी से पूछा गया, सुन्नी पर कितना देर बोल सकते हो? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, जब तक धरती रहेंगे, जब तक आसमान रहेंगे, जब तक चांद रहेंगे, सितारे रहेंगे, मैं बोलता रहूंगा और हमारा प्रवचन कभी भी समाप्त नहीं होगा, नहीं होगा। ये कौन सा ज्ञान? ये आत्मा का ज्ञान, ये आत्मा का ज्ञान, सेल्फ रियलाइजेशन। स्वामी रामतीर्थ जी जब जापान गए थे, तो उनसे पूछा, व्हाट इज गॉड? सज्जनों, स्वामी रामतीर्थ ने कहा, गॉड इज नॉट अ मिस्टर मिस एंड मिस्ट्रेस बट ए मास्टरी। ईश्वर मात्र एक रहस्य है। सज्जनों, हमारे वेद में ओम पुरुष हक आ गया है, यानी ईश्वर को पुरुष रूप में स्वीकार किया गया है, और कहीं कहीं नारी रूप में या देवी सर्वभूतेषु, दुर्गा सप्तशती में नारी रूप में या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो। तो ईश्वर को पुरुष भी कहा गया है, नारी भी कहा गया है, और नपुंसक भी नहीं कहा गया है। तो वो ईश्वर परमात्मा केवल साक्षात्कार का विषय है, केवल अनुभव गम्य है, अनुभव में भी आने वाला है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज जब शिकागो के धर्म सम्मेलन में गए थे, उनका बड़ा उपहास हुआ था, लोगों ने ब्लैक इंडियन, फुलिश इंडियन कहा था स्वामी विवेकानंद जी को। अपना धर्म और संस्कृति को नीचा दिखा रहा था, वेद को नीचे रखा गया था स्वामी विवेकानंद जी महाराज से। वहाँ के एक विद्वान ने कहा, आप भारत देश से आए हो, भारत देश गुलाम है और गरीब भी है, एक गुलाम भी है और गरीब भी है। स्वामी जी को भोजन करने के लिए दिया गया था, तो सब लोग चम्मच से खा रहे थे, कांटा से खा रहे थे, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी हाथ से खा रहे थे। लोगों ने कहा, स्वामी जी दुनिया डेवलप कर गई, दुनिया इतना विकसित हो गई, एडवांस हो गई, और आप अभी भी हाथ से खा रहे हैं।
स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, चम्मच झूठे हैं, ये कांटे झूठे हैं, लेकिन हाँ हमारा पवित्र हाथ है, मैं पवित्र हाथ से भोजन करूंगा तो हमारा दिल पवित्र हो जाएगा, हमारा मन पवित्र हो जाएगा। सज्जनों झुक गया चरणों में। वहां के लोगों ने कहा, स्वामी जी इंग्लैंड गए थे तो वहां के जो बड़े लोग थे उन्होंने कहा, स्वामी जी मैंने सुना है आप देख ही रहे हैं कि हमारे देश में नारी पुरुष से भी हाथ मिलाते हैं, सबसे हाथ मिलाती है, कोई पर्दा नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि आपके देश में ये नारियां पुरुष से हाथ नहीं मिलाती। मैंने कहा, एक बात बताइए, इंग्लैंड की जो महारानी है वो कौन है? इंग्लैंड की जो महारानी विक्टोरिया है वो किसी से हाथ मिलाती है कि नहीं, सो बताइए। बोला, क्यों मिलाएगी, वो महारानी है इसलिए किसी से हाथ नहीं मिलाएगी। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, हमारे देश की हर नारी जती सती है, सावित्री है, पवित्र है, ये पराए पुरुष से हाथ नहीं मिलाएगी, ये पराए पुरुष से हाथ नहीं मिलाएगी। तो हमारा देश भारत बड़ा महान है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज शिकागो के धर्म सम्मेलन में गए थे। सज्जनों ईश्वर की चर्चा सब जगह मिलती है, बाइबिल में भी है, बाइबिल में चर्चा आती है, स्ट्राइव टू इंटर इन एट द स्ट्रेट गेट फॉर वाइड इन द गेट एंड ब्रॉड इन द वे दैट लीड टू डिस्ट्रक्शन एंड मेनी देयर बी विच गो इन द रेट बिकॉज स्ट्रेट द गेट एंड नैरो इज द वे द लाइट ऑफ द बॉडी इज द आई देयर फोर वेन द आई योर आई सिंगल योर होल बॉडी विल बी फुल ऑफ लाइट बट वेन योर आई जिबिल योर होल बॉडी विल बी फुल ऑफ डार्कनेस। सज्जनों वो ईश्वर का ज्ञान कैसे होगा? वो ईश्वर का ज्ञान होगा दो नैन नजर जोड़ के एक नोक बना के। ये संसार नाम रूपात्मक है, एक नाम को जपिए, एक रूप का ध्यान कीजिए, यानी अपने इष्ट का ध्यान कीजिए, बिंदु ध्यान कीजिए, और बिंदु में तह नाद बोले रैन दिवस वाहनम, अब बिंदु से नाद प्रकट होता है। हमको एक अध्यापक ने पूछा जब मैं पढ़ता था आईएससी में, तब पूछा हमसे कि स्वामी जी आप ईश्वर को कैसे मानते हैं, आप फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, बायो पढ़ते हैं, फिर भी आप ईश्वर को मानते हैं, आँख बंद किए रहते हैं? मैं कहा हाँ मानता हूँ। बोला क्यों? बोला फिजिक्स में क्या विषय है? मैंने कहा फिजिक्स में एक चैप्टर है लाइट और एक चैप्टर है साउंड, और हमारे संत मत का आधार है, अगर संत मत से प्रकाश और शब्द को निकाल दिया जाए तो संत मत खोखला हो जाएगा, संत मत खोखला हो जाएगा। तो ये जो प्रकाश और शब्द है जिसके बारे में बाइबिल में भी आया, इन द बिगनिंग वाज द वर्ड वाज विद गॉड एंड वर्ड वाज विद गॉड, सृष्टि के आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। तो इस शब्द की साधना हम करें, ये शब्द को कहाँ पकड़ेंगे, कैसे पकड़ेंगे, इसकी युक्ति संत ही बताते हैं, सदगुरु ही बताते हैं, वो अंदर का रास्ता है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, यह संसार व्यायामशाला है, यहाँ मजबूत बनने के लिए आते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, अरे चुप को, मैं तुम्हें फुटबॉल खेलने के लिए नहीं कहता, मैं तुझे गीता पढ़ने नहीं कहता, मैं तुझे रामायण पढ़ने नहीं कहता, मैं तुझे फुटबॉल खेलने के लिए कहता हूँ, और ऐसा इसलिए कहता हूँ कि मैं तुम्हारी आत्मा से प्रेम करता हूँ, मैं तुम्हारी फौलाद की मांसपेशियां चाहता हूँ, मैं वज्र का शरीर चाहता हूँ, मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ, मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ। स्वामी विवेकानंद जी चरित्र पर बहुत बल दिया। जब वहाँ प्रवचन देकर के स्वामी जी घूम रहे थे तो एक महिला आ गई, बोला स्वामी जी आप बहुत हैंडसम है, आपका प्रवचन बड़ा प्रभावकारी हुआ है और आपका प्रवचन हमारे हृदय पर विजय प्राप्त कर लिया है, इसलिए मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ, क्या आप उसे विवाह करेंगे? स्वामी विवेकानंद जी महाराज अपना सिर झुका लेते हैं, उनकी आंख से आंसू टपकने लगते हैं। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, माँ तुम हमसे शादी भी कर लोगी तो हमारे जैसा बेटा होगा कि नहीं कौन जानता है, इसलिए एक उपाय है, तू हमारी माँ बन जा, मैं तुम्हारा बेटा बन जाता हूँ, तो हमारी माँ बन जा, मैं तुम्हारा बेटा बन जाता हूँ। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, वेल्थ इज लॉस्ट हेल्थ, वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, बट इफ द कैरेक्टर इज लॉस्ट बोलते एवरीथिंग इज लॉस्ट, यदि हमारा चरित्र चला जाता है तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचता है। सज्जनों यूएई में यूनाइटेड अरब अमीरात में हमसे लोगों ने पूछा, जब मैं गुरु महाराज की तस्वीर को लगा रखा था, उन्होंने पूछा आपके गुरुदेव क्या ईश्वर को जाना है, क्या वो महाजोगी थे? मैंने कहा इसमें कोई संदेह नहीं है, ईश्वर के संबंध में तो ओमनी परजेंट कहा गया है, ओमनी टेंट कहा गया है, इनोसेंट कहा गया है, कि आपके गुरुदेव भी ऐसे ही थे? बोले हाँ ऐसे ही थे। कोई नमूना दीजिए। मैंने कहा हमारे
एक विद्वान लेखक हुए डॉक्टर महेश प्रसाद सिंह, उन्होंने हमारे गुरु महाराज पर पीएचडी को उपाधि प्राप्त किया था, शोध किया था। एक बार कुप्पा घाट आश्रम आए थे, उनको लाइसेंसी गन खरीदना था, बंदूक, तो गुरु महाराज से आदेश लेकर खरीदना चाहते थे। सज्जनों, जब वो निवास में आए तो संजोग से किवाड़ लगी हुई थी, लेकिन ऊपर की खिड़की खुली हुई थी। तो सोचते हैं कि गुरुदेव तो लगता है विश्राम कर रहे हैं, अब जगाना ठीक नहीं होगा। तो बाहर से ही महेश बाबू प्रणाम करते हैं। सज्जनों, गुरुदेव इतने अंतर्यामी थे, इतने अंतर्मुख थे, वो मन की बात जान जाते हैं। वो कहते हैं, महेश बाबू आपको बंदूक खरीदना है तो खरीदिए ना, कौन मना करता है, आप बंदूक खरीद लीजिए। ऐसे हमारे गुरुदेव थे। अभी मैं पतंजलि योगपीठ में गया था, स्वामी रामदेव बाबा के पास मिलने के लिए गया था। हम दोनों एक ही साथ पढ़े थे गुरुकुल में, वो हमसे सीनियर थे, मैं जूनियर था। बतलाते हैं, स्वामी रामदेव बाबा के पास गया था तो स्वामी रामदेव बाबा हमारे चेहरा को देखकर कहते हैं, विवेकानंद जी आपके चेहरे में बहुत सारा दाग है, आप दो चार दिन ठहर जाओ, मैं दवा दे देता हूँ, ठीक हो जाएगा। मैंने स्वामी जी से हाथ जोड़ करके कहा, स्वामी जी हमारा चेहरा में दाग है तो कोई बात नहीं है, चेहरा में दाग होने से क्या होगा, हम जैसे हैं वैसे ही ठीक हैं, हमारे भीतर के दाग को छुड़ा दीजिए। तो क्या बोलते हैं, मैं भीतर के दाग को नहीं छुड़ा सकता, आपके जो गुरुदेव थे सॉफ्टवेयर के इंजीनियर थे, मैं हार्डवेयर का इंजीनियर हूँ, आपके गुरुदेव महान योगी थे और आपके गुरुदेव ने मुर्दा को भी जिंदा कर दिया था, ऐसे आपके गुरुदेव। तो ऐसे हमारे गुरुदेव हैं और हम लोग भटक रहे हैं। क्यों भटकता फिर रहा तू, ऐ तला से यार में रास्ता सरग में है, दिलबर पे जाने के लिए तो एक आसन से ज़्यादा देर तक बैठिए, मानस जप कीजिए, मानस ध्यान कीजिए, बिंदु ध्यान कीजिए, नाद अनुसंधान की क्रिया कीजिए और सदाचार और शुचाचार का पालन भी कीजिए। यदि सदाचार और शुचाचार का पालन नहीं करेंगे तो आप एक डिग भी अध्यात्म मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए भजन कीजिए, साधना कीजिए। और ख़त्म कर रहा हूँ, मैं दिल्ली गया था तो बहुत लोगों को दीक्षा देना था, बहुत लोग आए थे, गुरु महाराज की जयंती थी तो बहुत लोग आए थे दीक्षा लेने के लिए। तो एक सज्जन दो फूल लेकर के आए और एक सज्जन फूल ही लेकर नहीं आए, तो पति पत्नी दोनों दीक्षा लेने के लिए आए थे और लोग भी थे। तो दीक्षा के बाद फूल माला को ऊपर उठाना पड़ता है और गुरु महाराज का ध्यान करना होता है। तो मैंने एक सज्जन के हाथ में फूल माला नहीं देखा तो मैंने कहा, आप फूल नहीं लाए हैं? तो कहा, स्वामी जी मैं नहीं लाया, मैं फूल ही लाया हूँ। तो एक माता जी कहती है, स्वामी जी मैं दो फूल माला लाई हूँ। तो वो माता जी क्या करती है, फूल माला अपने पतिदेव के हाथ में देती है और उनके पतिदेव फिर उस भाई के हाथ में देती है। देखिए सज्जनों, वो हम तो उनको मन ही मन प्रणाम किया, मैंने सोचा ये सती सावित्री से कम है क्या, ये कलयुग की सती सावित्री है कि पराये पुरुष का स्पर्श नहीं किया और अपने पतिदेव के हाथ में माला दिया। इतना पवित्र हम बनेंगे तो हमारे जीवन में ईश्वर अवश्य मिलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ गुरु महाराज के चरणों में नमन, आप लोग का हार्दिक अभिनंदन और अपने वाणी को विराम। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।